नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टुडेज न्यूज में। मेरे साथ यानी कुमार अभिषेक के साथ हमेशा की तरफ फिर से हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया के बेहद अहम अपडेट को लेकर के, न्यूज को लेकर के। दरअसल अब आतंकवादियों पर अटैक करने वाले हैं जॉन अब्राहम और खुद से शेयर किया है एक दिलचस्प वीडियो। जी हाँ, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम अपने जबरदस्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं। दर्शक उनकी एक्शन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार भी करती है। अभी कुछ वक्त पहले ही फिल्म बाटला हाउस में पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए थे जॉन अब्राहम और जॉन की इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि जॉन अब्राहम अब जल्द ही एक और एक्शन फिल्म में नजर आएंगे जिसका नाम होगा अटैक। उन्होंने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और आपको बता दें कि जॉन अब्राहम ने बाटला हाउस जैसे शानदार एक्शन पैक्ड फिल्म में अपने अभिनय से ऑडियंस को चौंकाया था। और क्योंकि इस वक्त एक एक्शन मूवी का ट्रेंड चल रहा है पूरे बॉलीवुड में, पूरे इंडिया में, शायद इसी को ध्यान में रखते हुए अब जॉन अब्राहम एक और एक्शन मूवी में नजर आने वाले हैं। वो अब अपनी आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म अटैक की तैयारियों में जुट गए हैं। इसकी एक झलक एक्टर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद से शेयर किया है। दरअसल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक एक्सपर्ट के साथ रिवॉल्वर और अन्य हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ जॉन अब्राहम ने लिखा है कि अटैक करने के लिए हो रहा हूं तैयार। जी हाँ, मेरी अगली एक्शन फिल्म है। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर में शुरू होने वाली है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अटैक में जॉन अब्राहम आतंकवादियों से लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी जिसमें जॉन का एक अलग ही अवतार और लुक दोनों देखने को मिलेगा। और इस फिल्म को लक्ष्य राज आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे वो। तो और इस तरीके से जॉन अब्राहम ने इस फिल्म के लिए अपनी कमर कस ली है, यानी कि एक के बाद एक एक्शन वाला डोज मिलना बाकी है और ये सिलसिला 2019 में रुकने वाला नहीं है, 2020 और 22 तक जारी रहेगा। इस बार आतंकियों पर अटैक करते नजर आएंगे जॉन अब्राहम। तो ये है एक बेहद ही खास न्यूज और अपडेट्स और हम उम्मीद करते हैं कि जॉन अब्राहम इस मूवी में पहले किसी मूवी से ज्यादा अच्छा काम करेंगे, किरदार निभाएंगे और साथ ही साथ कुछ अलग एक्शन वाला उनका रोल भी देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, इसके पहले जॉन अब्राहम धूम वन में, यानी कि धूम के जो सबसे पहले सीरीज था उसमें वो विलन के किरदार में नजर आए थे बाइक चलाते हुए और उसके बाद बॉलीवुड में उनकी जो ग्राफ है वो काफी बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने मूवी फोर्स किया, फिर बाटला हाउस आई और भी कई मूवी में उन्होंने लगातार एक्शन दिखाया, कॉमेडी भी दिखाया और अब एक बार फिर से अटैक करने के लिए वो तैयार। तो आप जॉन अब्राहम की इस अटैक मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं धूम वन के बाद या फिर फोर्स के बाद, आप हम जरूर शेयर करके बताएं कमेंट बॉक्स में अपने विचार। और लगातार जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। हम फिर से हाजिर होंगे कुछ अन्य अपडेट्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।